नमस्कार श्रोताओं, मैं वैशाली बरसैया आज पेजर ब्लास्ट युद्ध की नई शैली विषय पर विस्तार से जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ। इस जानकारी का संकलन किया है लेखक एवं विचारक गिरीश बिल्लौरे मुकुल ने और तकनीकी सहयोग सिद्धार्थ गौतम का है। यह जानकारी पब्लिक डोमेन पर भी उपलब्ध है। लेबनान में हुए इस तरह के सामूहिक विस्फोट में इसराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसराइल पर पड़ोसी देशों का दबाव अक्सर बना रहता है। इस क्रम में लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की इसराइल विरोधी गतिविधियों को देखते हुए इसराइल ने सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया। सोशल मीडिया एवं कन्वेंशनल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक लेबनान में करीब 5000 पेजर डिवाइस में ब्लास्ट हुआ। कुछ मीडिया सूत्र कहते हैं कि 1000 पेजर में ब्लास्ट हुए हैं तथा 2800 से ज़्यादा घायल, 11 लोगों की मौत हुई है। यह विस्फोट किस तरह से किया गया? लेबनान के लोगों को लेबनान के हिजबुल्लाह प्रमुख ने सुरक्षा कारणों से मोबाइल फोन के इस्तेमाल ना करने की सलाह दी थी। लेबनान में अधिकतर लोगों द्वारा पेजर का उपयोग किया जा रहा है। प्राप्त समाचारों के अनुसार इस तकनीकी से वीडियो में दिखाई गई खतरनाक स्थिति नजर आ रही है। पेजर ब्लास्ट एक अत्यंत दुर्दांत हमला है जिसमें पेजर नामक एक छोटे वायरलेस संचार उपकरण को हैक करके उनमें ऐसा मैसेज भेजा जाता है जिसे खोलते ही अत्यधिक संदेशों के कारण लिथियम बैटरी गर्म होकर विस्फोट कर देती है। यह केवल प्रारंभिक अनुमान है। क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त पेजर उपकरणों में एक साथ होने वाले इस ब्लास्ट का उद्देश्य इजराइल द्वारा लेबनान के हिजबुल्लाह गुट से बदला लेना माना जा रहा है। पेजर एक पुराना संचार उपकरण है जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। यह एक छोटा सा डिवाइस होता है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके संदेश भेजता और प्राप्त करता है। इसका मुख्य काम सिर्फ संदेश प्राप्त करना होता है। भारत में पेजर का इस्तेमाल 2 दशकों पहले ही समाप्त हो चुका है। अंत में ये भी बताऊंगी कि क्या आपके मोबाइल पर भी ऐसे आक्रमण हो सकते हैं। पेजर ब्लास्ट कैसे हुआ होगा? हैकिंग। हमलावर हैकर पेजर के सुरक्षा सिस्टम को तोड़कर उसकी संदेश प्रणाली का लाभ उठाता है तथा एक संदेश भेजता है। ये संदेश विशेष मैसेज रूप में होते हैं जो पेजर की सामान्य कार्य प्रणाली को कुछ इस तरह से प्रभावित कर देते हैं जिससे डिवाइस गर्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप डिवाइस में लगी लिथियम बैटरी में विस्फोट हो जाता है। कुल मिलाकर डिवाइस पर एक स्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर भेजा जाता है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट की घटना यदि बड़ी संख्या में पेजर में एक साथ विस्फोट हो गए तथा इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, क्या मोबाइल डिवाइस पर भी इसी तरह की घटनाओं का होना संभावित हो सकता है? जी हाँ, सिद्धांत रूप में मोबाइल फोन पर भी फीचर डिवाइस जैसे पेजर की तरह विस्फोट कराया जा सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है। हाँ, मोबाइल फोन में विस्फोट हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यह बैटरी में किसी खराबी या ओवरहीटिंग के कारण होता है। जानबूझकर किसी मोबाइल फोन में विस्फोट कराना बहुत मुश्किल है। क्या हमें चिंतित होना चाहिए? अधिकांश लोगों के लिए मोबाइल फोन में विस्फोट होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं जिसके पास तकनीकी ज्ञान और संसाधन है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। अपने मोबाइल फोन को सुरक्षित कैसे रखें? अपने फोन को अपडेट रखें। नियमित रूप से अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। अज्ञात स्रोतों से ऐप्स डाउनलोड ना करें, केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करें। अपने फ़ोन को ओवरहीट होने से बचाएं। अपने फ़ोन को सीधे धूप में ना रखें और उसे ओवरचार्ज ना करें। धन्यवाद।